इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ गई, आपको बताते चले। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही, सबसे पहले आपको बताएंगे एक बड़ी जानकारी, तो बता दें आपको पेरिस ओलंपिक से अपडेट, विनेश फोगाट का फाइनल में मुकाबला होगा। फाइनल पहुंच चुकी है विनेश, कुश्ती के फाइनल में पहुंची हुई है विनेश फोगाट। कल शानदार प्रदर्शन की तरफ से किया गया, अब गोल्ड के लिए खेलेंगी विनेश फोगाट। देश को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सेमीफाइनल में 5-0 से उन्होंने जीत हासिल की थी, और जो कि काफी बेहतर प्रदर्शन है। विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान को हराया था, और आपको ये भी जानकारी दे दें, जो क्यूबा की पहलवान थी वो बीते लंबे समय से नहीं हारी थी, और विनेश ने 5.0 से मात दी है। तो कुश्ती के फाइनल में पहुंची है विनेश फोगाट, और अब गोल्ड के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। गोल्ड के लिए खेलेंगी विनेश फोगाट, देश को लगातार उम्मीदें हैं कि इस बार विनेश जरूर गोल्ड लाएंगी। 5-0 से सेमीफाइनल में जीत दर्ज की, उसके बाद फाइनल में विनेश फोगाट पहुंच चुकी है, और अब इंतजार हो रहा है उनके फाइनल मुकाबले का। तो गोल्ड के लिए खेलेंगी विनेश फोगाट, ये बड़ी खबर। विनेश फोगाट का फाइनल में मुकाबला देखने को मिलेगा, तो बता दें आपको कुश्ती के फाइनल में पहुंची हुई है विनेश फोगाट। गोल्ड के लिए अब विनेश फोगाट मैदान में खेलती हुई नजर आएंगी। सेमीफाइनल में 5-0 से जीत उन्होंने हासिल की थी, क्यूबा की पहलवान को उन्होंने हराया था। एक शानदार जीत उन्होंने अपने नाम दर्ज की, एक उपलब्धि उन्होंने अपने नाम दर्ज की, और अब फाइनल में विनेश फोगाट की एंट्री हो चुकी है। अगर जीतती है तो गोल्ड मेडल उनके नाम हो जाएगा। उत्साह से भरपूर विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था, और वो प्रदर्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है देखकर कि उम्मीदें लगातार लोगों को बरकरार है कि विनेश जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगी। हरियाणा की पहलवान देश का नाम लगातार रोशन कर रही हैं। विनेश फोगाट का फाइनल में मुकाबला देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को उन्होंने हराया, 5-0 से करारी मात दी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साहित वो इस खेल को लेकर थी, और बेहतर प्रदर्शन, एक लंबी ट्रेनिंग, उसका नतीजा ये रहा कि सेमीफाइनल में 5-0 से उन्होंने जीत दर्ज की है। विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान को हराया था। तो चरखी दादरी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सुरेंद्र, जिस तरीके से लगातार जश्न का माहौल है, विनेश फोगाट अब फाइनल में एंट्री कर चुकी है, उनके अगर गांव क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, जैसे ही सेमीफाइनल मैच विनेश फोगाट ने जीता तो जश्न का माहौल गांव बलाली उसके पैतृक गांव में छा गया, और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशियां जताई। अब उनकी आस है कि गोल्ड मेडल विनेश फोगाट बिल्कुल जीत के आएगी, उनको विश्वास है, और ऐसी खुशियां मनाई जा रही है, ढोल नगाड़े बजेंगे, उन्होंने पूरी तैयारियां की हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरीके से फाइनल में एंट्री की गई है उसके बाद लगातार लोगों को काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। तस्वीर भी हम लगातार देख रहे हैं कि उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, परिजन हैं, वो काफ़ी खुश हैं। आपकी बातचीत हो पाई क्या उनसे? जी, विनेश फोगाट के ताऊ हैं द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट। उन्होंने कहा कि 2016 में उनका सपना था, लेकिन चोट के कारण वो जो सपना अधूरा रह गया था, आज 2024 में वो अब आज पूरा होने वाला है, क्योंकि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल पक्का जीत के आएंगे। जी, उनके गांव में और जो निवासी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बेटी की उपलब्धि बहुत ज्यादा बड़ी है, 5-0 से करारी मात दी है सेमीफाइनल में। जी, जो बलाली गांव के सरपंच हैं उनका कहना है कि गांव में जश्न का माहौल है, और उन्हें पहले से ही आस थी कि विनेश फोगाट एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है और गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाएगी, उसके लिए उन्होंने पूरी मिठाइयां बांटने के लिए भी तैयारियां की हुई हैं, और सरपंच की ओर से शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई, आपको बताते चले। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी जानकारी, चरखी दादरी से ही अपडेट है इस वक्त का। बता दें कि विनेश फोगाट के गांव बलाली में जश्न है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे, फाइनल पहुंचने पर गांव में मिठाइयां बांटी गई, एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की है, गोल्ड मेडल का सपना पूरा हो रहा महावीर फोगाट की तरफ से कहा गया है। तो एक दूसरे को मिठाई बांटी गई है, महावीर फोगाट ने कहा कि गोल्ड मेडल का सपना पूरा होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों में जश्न का माहौल, जिस तरीके से सेमीफाइनल में एक बेहतर प्रदर्शन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है, उसके बाद ये उम्मीद है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको बता रहे हैं
उम्मीदों का सिलसिला लगातार देखने को मिला और अब फाइनल मुकाबले का इंतजार है। उम्मीद सबको यही है कि फाइनल में विनेश भारत के नाम गोल्ड जरूर दर्ज करवाएंगी। तो विनेश के गांव में भी आपको बता रहे हैं कि जश्न का माहौल है, सरपंच सहित तमाम लोगों ने खुशी मनाई है। उनका कहना है कि उनकी गांव की बेटी है जो कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। विनेश फोगाट का फाइनल में मुकाबला देखने को मिलेगा। लगातार बेहतर प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मेरी कई साल का सपना था जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने का, आज वो मेरी बेटी इस गोल्ड मेडल के नज़दीक है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके बारे में गोल्ड मेडल लेकर देश में जो नाम ऊंचा करेगी। और दोनों जो जिन लोगों ने जो 2016 में 20 में जो इंतजार किया था विनेश गोल्ड मेडल का, आज वो बेटी सपना मेरे भी और सारे देश का सपना साकार करेगी। ब्रजभूषण ने बोला था जो दिखा दिया बेटी ने जो करके दी उसके मुँह पर तमाचा है, और जो बजरंग पूनिया है वो भी जो है जो उस जो इतने दिन धरने प्रदर्शन पर आया तो वो कवर नहीं कर सका, इसने जो है अपने जो मेंटेन करी अपने वो कवर किया बहुत मेहनत करके। तो विनेश फाइनल में पहुँच गई, क्या आशीर्वाद देंगे? भाई यही आशीर्वाद बेटी जो है आगे बढ़े और मैं कोशिश करूंगा भी जो मैं तो भी अगली बार भी जो है 2028 का भी ओलंपिक लड़ने की तैयारी करी।